क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो यार, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ यार। प्यार करते हो? तेरी ना इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे प्यार करेगा। यही पड़ता रह जाएगा और वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। कहाँ गई है वो? उस तरफ गई है। चल चलते हैं। अरे बुद्धू बैठ, अब चल चल। अटिया तो के पाया चांजरा लोग मरे शिकार, कंगना तेरा नहीं सानू करे जार, कंगना तेरा नहीं सानू करे जार। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? हाय नितिन भाई, बैठ। तो गाइस, ये मेरे दोस्त नितिन है, इसके पापा का ना बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते हैं। तो रिसेंटली ये लोग यहाँ पे आए हैं और इसका यहीं पे एडमिशन हो गया है। और ये गाइस बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट यार। गाइस अब अपने बारे में क्या ही बताऊं, हमारे काफी ज्यादा ट्रक्स चल रहे हैं, उसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है और हमारे रिसोर्सेज भी हैं। तो अच्छा गाइस, बहुत बातें हुई, अब हम चलते हैं क्लास में, ठीक है? हाँ। अच्छा यार तुम लोग जाओ, मेरे को ना कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं जा रहा आज क्लास। ठीक है गाइस, हम तो चलते हैं ना। आ जाओ। अरे नितिन, कहाँ रह गया तू? वो मालिक, मेरी ना एक्स्ट्रा क्लास थी तो इस चक्कर में मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, अब तू क्लास ही ले, अब दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी क्लास छोड़ देता हूँ, मैं आपके पास। बैठो, तुम क्लास में नहीं गए? अरे वो क्लास में गई तो थी, बट मैंने सोचा तुम अकेले बैठ के बोर हो रहे होगे, इसलिए मैं आ गई। नहीं यार, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, मैंने बताया था ना मेरे को जरूरी काम है, तो बस मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे। बाय बाय। हाँ, और हो सके तो क्लास में चले जाना, ठीक है? आ गया तू, हमेशा हरामखोरी करता रहता, कभी काम मत कर लिया तू। जाओ क्या मेरी शक्ल देख रहा है, उधर जाके काम कर गाड़ी में। यार मेरा मूड बहुत खराब है, उस खड़ूस सर ने पूरी क्लास के आगे बेइज्जती कर दी। अरे मुझे पता है तेरा मूड कैसे ठीक होगा, चल हम सब लॉन चलते हैं। हाँ यार तू सही कह रही है, हम सब लॉन चलते हैं, चलो ना नितिन, तुम भी चलो। अरे नहीं यार, तुम लोग जाओ यार, मेरे को ना पढ़ना है। यार मुझे तुम्हारी यही आदत तो बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे पास सारा बैकअप है, पापा का बिजनेस है, उसके बाद भी इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई में लगे रहते हो। यार अपने पापा के पैसों पे तो सब उछलते हैं, मैं ना अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है नितिन, तुम जाके पढ़ाई कर, हम सब जाते हैं। ठीक है गाइस, बाय। हाँ भाई नितिन, काम वाम सही चल रहा है? हाँ भाई, और बता भाई कैसा है? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तूने देखा ना मेरा मैजिक, मेरे कहने पे चला तो प्रियंका तेरे पास आई ना। हाँ यार आई तो, पर यार जिस दिन उसको मेरी असलियत पता चलेगी ना, वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। यार तू टेंशन मत ले, एक बार उसको प्यार हो जाए ना, फिर तो प्यार में सब कुछ माफ होता है। चल ठीक है भाई। अच्छा तू यहाँ कैसे आया? अरे यार वो मुझे मेरी गाड़ी की सर्विस करानी थी ना, तो मैंने सोचा यहीं ले आऊं, तू कर दियो, मैं एक दो घंटे में वापस आता हूं। चल ठीक है भाई, मैं करके रखूंगा। ठीक है। अच्छा यार ये सब छोड़ो तुम, मैं ना यार प्रियंका कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो। पर समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ यार। बोलो ना यार, क्या इतनी एक्टिंग कर रहे हो? यार मैं ना तुमको फर्स्ट डे से ही लाइक करता था, तो
क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? यार मैंने इसलिए नहीं बोला कि मेरे को लग रहा था कहीं हमारी दोस्त भी ना खराब हो जाए, इस वजह से बस। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बता दो यार, ज्यादा चांस हाँ के हैं ज्यादा चांस ना के हैं? ऑफ कोर्स हाँ के हैं यार। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। बता भाई के कमी है इसमें। और नितिन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू बता कैसे आना हुआ? अरे ये नितिन और सौरभ है ना, मतलब नितिन मैकेनिक है, सौरभ ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। रुक बेटा, तुम दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। अरे भाई क्या बताऊँ यार, तूने कैसी गाड़ी ठीक करी यार। अरे अब क्या हो गया यार, वो चलते चलते मिसिंग मार रही है। चल ठीक है, कोई नहीं भाई, मैं तेरी गाड़ी देख लूंगा। और बता कुछ ठंडा गरम कुछ लेगा? नहीं यार बस ठीक है। चल ठीक है, चल सो रहा, मैं तेरी गाड़ी बाद में देखता हूँ, पहले कस्टमर की देख लेता हूँ। आ जा। प्रियंका तुम? हाँ नितिन मैं। तो ये है तुम्हारे पापा का अच्छा खासा बिजनेस? प्रियंका ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको बताने ही वाला था यार। क्या बताने वाला था और कब बताने वाला था? वो तो अच्छा है चेहरी ने देख लिया और कॉल करके मुझे सब बता दिया और यहाँ बुला लिया। मैं ना तुम गरीब घर के लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, यही तो काम होता है तुम्हारा, अमीर घर की लड़कियों को फंसाओ और उनसे अपने सारे खर्चे उठवाओ। प्रियंका तुम ये सब क्या बोल रहे हो यार, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ यार। प्यार करते हो? तेरी ना इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे प्यार करेगा। चल जा यहाँ से और किसी की गाड़ी में हवा भर। नितिन मैं तेरे को सामने मिलता हूँ। प्रियंका, अरे प्रियंका, प्रियंका सुनो ना, कहाँ यार? सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा। हेलो हेलो, हाँ राजेश जी बात कर रहे हैं? अरे राजेश जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ अपनी बेटी को इंटरव्यू के लिए लेके जा रहा था ना मैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपके घर के आसपास हूँ वैसे अभी। अच्छा आप हो नहीं अभी, मुझे आप प्लीज़ ये बता दो यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक वगैरह हो तो मुझे बता दो आप ज़रा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं आसपास देख के आता हूँ, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए ना। मैं ट्राई करता हूँ। यार पापा भी कहाँ चले गए हैं, पता नहीं उनको मैकेनिक मिलेगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, लिफ्ट मांगती हूँ। पक्का सर्विस के लिए आई होगी ना, या हवा भरवाने जा रहा है? प्रियंका थोड़ा तमीज में। अबे चल, तुझ जैसे दो कौड़ी की मैकेनिक से तमीज से बात करूंगी क्या मैं? दूसरों की गाड़ी में घूमकर तो तू हवाबाजी करता है। बेटा अब ये कैसे बातें कर रही हो, ये सर है हमारे। ये सर है? हाँ हमारे सर ने इन्हीं के पास इंटरव्यू के लिए भेजा बेटा, आपका इंटरव्यू इन्हीं के पास होना है। हेलो बेटा इधर आओ। हाँ जी अंकल। बेटा इस लड़की को कैसे जानते हो तुम, और ये तुमको इतना सुना के क्यों गई? अंकल हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं,
और इस लड़की को मैं पसंद करता हूँ और ये भी मेरे को पसंद करती है। पर अंकल जब इसको पता चला ना मैं एक गरीब मैकेनिक हूँ तो इसने मेरे की सबके सामने बेइज्जती कर दी। जैसा इसका बाप घमंडी वैसी ही लड़की है। अंकल आप कैसे जानते हो उस लड़की को और इसके पापा को? इसका बाप मेरी कंपनी में मेरे नीचे काम करता है और सभी वर्करों को अपने नीचे दबा के रखता है और ऐसे जाहिर करता है जैसे कंपनी का मालिक ही वो हो। अच्छा बेटा तू ये सब चीज़ छोड़, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपना कॉलेज कंप्लीट कर, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरे से आके मिल लियो और अगर तेरे अंदर काबिलियत होगी तो तुझे अपनी कंपनी में जॉब दूंगा और तरक्की के नए रास्ते पर लेके जाऊंगा। ठीक है अंकल। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, और इन कामों को छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये तमाचा ना मेरे को उसी दिन मारना था जिस दिन तुमने मेरे गाल पे तमाचा मारा था। और गरीबी अमीरी देखकर प्यार नहीं होता है, प्यार दिल से होता है। और ज़रूरी नहीं है जो बंदा कल को गरीब था वो आज भी गरीब होगा। साकेत जी सर, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी घमंडी लड़कियों की हमारे ऑफिस में। तो मैडम आप जा सकते हैं और आप जल्दी से गाड़ी ठीक करवा कर ऑफिस में पहुँचिए। सर प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए सर, छोटी बच्ची है सर, करीब जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के गहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। उतरा के मेरा प्यार, मेरा हेलो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हर बार के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और साथ ही साथ बेल आइकन है उस पर प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे वो फॉलो कर लेना और बाकी भी टीम जिसको फॉलो करना चाहते हो उसको फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर कर दो यार, जल्दी से 4 लाख करवा दो। और जल्दी मिलते हैं, मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, नितिन पाल व्लॉग्स एंड बीटीएस करके इधर कहीं आ रहा होगा सर्कल में, कर लेना और फेसबुक भी कर लो। चलो बाय।